ये 17 अप्रैल की वीडियो है, रामनवमी के दिन की। मैंने ये पहना था तो मुझे बहुत फिट आ रही थी टमी एरिया से। मैंने रामनवमी पे ही पहनने के लिए मंगाया था बट मैं नहीं पहन पाई। और उसके बाद मैंने जब हनुमान जयंती आज थी तो मैंने ये पहना और मुझे टमी एरिया से लूज हुई, यानी मेरी डाइट, मेरी जो भी थोड़ी बहुत मेहनत है वो रंग ला रही है। इसलिए कभी गिव अप ना करें, ट्राई करते रहें। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाय, आई एम शिप्रा। मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी पे हूँ और मैं वेट लॉस से रिलेटेड ही अभी वीडियोस डाल रही हूँ। तो मैं क्या पूरे दिन में डाइट लेती हूँ और कैसे लेती हूँ वो सब से रिलेटेड ही वीडियोस डालती हूँ। मैं बहुत लॉन्ग वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं और भी किसी चीज़ों में बिजी हूँ इसकी वजह से। बट मैं जो भी डाइट ले रही हूँ वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो के थ्रू। तो और मेरी अच्छी वेट लॉस जर्नी अच्छी चल रही है, वेट लॉस भी हो रहा है, इंच लॉस भी हो रहा है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ खाने को अच्छे से प्रॉपरली च्यू करके खाऊं। और पूरे दिन में 4 से 5 लीटर पानी पी रही हूँ, पानी सिप सिप करके पीती हूँ। पानी एक बार में कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पी सकते हो। मतलब मैं 250 ml की ग्लास है, उससे मैं 16 ग्लास वाटर ले लेती हूँ और मैं एक बार में 250 ml ही लेती हूँ, उसको सिप सिप करके पानी पीती हूँ। और सॉरी, अभी तो कोई मैं योगा एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं वॉक शुरू की हूँ थोड़ा थोड़ा करना, बहुत जल्द योगा शुरू करूँगी। और अभी मैं डाइट में क्या ले रही हूँ वो सब मैं अपनी वीडियो में दिखाऊँगी, तो आप वीडियोज़ में भी बिना स्किप किए देखना। ब्रेकफास्ट में मैंने एक पराठा और धनिया की चटनी और थोड़ा सा कर्ड लिया था। ये पराठा में आलू और पनीर मिक्स करके बनाया था मैंने, और अपने खाने को बहुत इन्जॉय करके शांति से खाती हूँ, अच्छे से कोशिश करती हूँ च्यू करके अपने खाने को खाऊं। और फिर मैंने लंच में ये सत्तू शेक लिया था ठंडा ठंडा, मुझे ठंडा कुछ ही लेने का मन था, कुछ और खाने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने सत्तू शेक लिया। और बहुत अच्छा लगता है ना समर में, अब ठंडा कुछ लो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं ले सकते, ना ही लेना चाहिए, वो भी आपका इतना वेट हो तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नॉर्मल भी जो है, नॉर्मल वेट के भी, उन्हें भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ ठंडा ऐसा सोडा नहीं लेना चाहिए। तो मैं आप शेक बना के पी लो या ठंडा ठंडा या फ्रूट के जूसेस कभी कभी ले सकते हो, ऐसे फ्रूट्स खाओ तो अच्छा है पर जूस लो तो वो सॉरी जूस थोड़ा कम लो। इवनिंग में मैंने पपाया लिया था और डिनर में मैंने एक रोटी और सेवई बनी थी, इसमें मैंने शुगर नहीं डाला है। और ये लौकी की सब्ज़ी और टमाटर और मिर्च की की सब्ज़ी टाइप थी वो ली। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियोस डालने का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।